أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear students, department of economics, third semester. subject का नाम है हमारा principles of marketing, Philip Kotler and Gay Armstrong के book है, उसे हम इस chapter को पढ़ रहे हैं. chapter number 9 है, जो कि है new product development and product lifetime strategy. ठीक है, तो मिड टर्म के बाद ये हमारा सेकेंड लेक्चर है. इससे पहले लेक्चर में भी हमने चैप्टर नंबर 9 की कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की थी. ठीक है, कि हम किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसकी कॉजेज ऑफ फेलियर एंड कॉजेज ऑफ सक्सेस जो है वो हमने डिटेल से पढ़ा. ठीक है, और आज जो है हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, जो प्रोसेस है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, जैसे कि ये डायग्राम हमने प्रीवियसली भी लेक्चर में डिफाइन कर लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइडिया जनरेशन. ठीक है, सबसे पहले हम आइडिया जनरेट करते हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उनके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, फिर हम उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं. ठीक है ना, फिर बिजनेस एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, टेस्ट मार्केटिंग और कमर्शलाइजेशन. तो ये स्टेप्स हम सारी प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं, और ये सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इंटर रिलेटेड स्टेप्स हैं, इंटर रिलेटेड स्टेजेस हैं. ठीक है ना, ये आपस में लिंक है. ये एक प्रोसेस जब परफॉर्म होगा तो दूसरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है, और अगर एक प्रोसेस पहला पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा, आइडिया जनरेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो दूसरा प्रोसेस हम परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस वजह से हर एक प्रोसेस का पहला पहले कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी जाके हम बाकी जो स्टेजेस हैं, बाकी जो स्टेप्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से, जो कि है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. अच्छा, स्टेप नंबर 1 है आइडिया जनरेशन. आइडिया जनरेशन जो है ये हमारे पास पहला स्टेप है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जिसमें हम क्या करते हैं कि आइडिया जनरेशन इज अ सिस्टमेटिक सर्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज ऑब्टेन्ड इंटरनली एंड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, विच इज कस्टमर, विच इज कंपटीटर, विच इज डिस्ट्रीब्यूटर एंड विच इज सप्लायर. ठीक है, आइडिया जनरेशन हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिसर्च है. ठीक है ना, सिस्टमेटिक सर्च का मतलब क्या है कि ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स से रिलेटेड है. ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो इन्वॉल्व होते हैं सर्चिंग में. वो क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं न्यू आइडियाज को. ठीक है ना, न्यू आइडियाज को जनरेट कर रहे होते हैं, और वो न्यू आइडियाज़ क्या होते हैं, हमारे न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो कि हम मार्केट में इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. ठीक है, तो इन फ्यूचर जब आप लोग नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसके लिए आप इंटरनली और एक्सटर्नली आप लोग क्या करते हो, सर्च करते हो कि आप कौन सा न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि पेप्सी की कंपनी है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है. ठीक है ना, मोस्टली ड्रिंकिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन नेचर वो बनाती है. ठीक है, लेकिन आजकल देखें तो उन्होंने लेज बनाना शुरू कर दिए हैं, चिप्स, जिसको हम चिप्स हैं लेज के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और तो फूड आइटम में पेप्सी ने क्या कर लिया, अपनी एंट्री मार ली है. ठीक है, तो अब पेप्सी फिर क्या करता है, फिर आइडिया जनरेट करता है कि चलो कोल्ड ड्रिंक्स में भी आ गए. ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी आ गए, जूसेस में भी आ गए, लेस चिप्स वगैरह में भी आ गए, तो अब क्यों ना हम एक नया प्रोडक्ट दूसरा लॉन्च करें जो कि हमारे लिए सक्सेसफुल हो. मीन्स कि उससे हमारी जो वैरायटी है वो
इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि वो कस्टमर से पूछते हैं कि पेप्सी और कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करे, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कर सकता है। इस तरीके से कंपटीटर्स जो है, कोका कोला कंपनी है, अब उसको देखा जाए कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी तरीके से ये भी। और डिस्ट्रीब्यूटर भी उससे पूछ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सप्लायर, तो आपके पास डिफरेंट आइडिया आ जाते हैं कि आप क्या करो, आप जो है ना क्या कहते हैं हम उसको, फ्रीज फ्रूट फ्रोजन फूड जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवा लो, ठीक है ना, या बिस्किट्स जो है इंट्रोड्यूस करवा लो, या केक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लो, या जो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मसाले जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास जिस तरीके से डिफरेंट आइडियाज हैं जो कि जनरेट होती हैं, ठीक है। तो अब पेप्सी क्या करता है, पेप्सी कंपनी उसको देखता है कि ये आइडियाज जो जनरेट हुई हैं ये इसके साथ लिंक करता है या नहीं करता, ये इसके साथ जो है मुशाबहत रखता है या नहीं रखता। अगर हम चिप्स की एग्जाम्पल लेते हैं तो मोस्टली लोग जो है वो चिप्स खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, इस वजह से ये इसका एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। इस तरीके से बिस्किट और केक्स वगैरह भी हो गए तो इनका भी एक रिलेशन बनता है। लेकिन अगर हम मसाले की एग्जांपल लेते हैं या अगर हम फ्रोजन फूड आइटम की एग्जांपल लेते हैं, हाँ अगर चिली फूड हो, गोश्त वगैरह हो तो फिर तो हो सकता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल फूड की बात करें तो उसमें इतनी कंपेरिजन जो है वो पेप्सी के साथ नहीं बनती, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है कि जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरीकों से आइडियाज को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनली क्या कैसे कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक्सटर्नली कौन, वो एक्सटर्नल की तो ऑलरेडी हम यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, न्यू आइडिया जनरेशन के लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं, वन इज इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज रेफर्स टू द कंपनीज ओन फॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड स्टाफ एंड एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास जो सबसे फॉर्मल हमारे पास इंटरनल सोर्स आ जाता है वो हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमने इसीलिए ही बनाया होता है कि ये आइडियाज को जनरेट करें और वो आइडियाज जो है मैनेजर के सामने पेश करें, ठीक है। तो जब आइडिया जनरेट होगा, अच्छे अच्छे आइडिया जनरेट होंगे ऑन दी जो ट्रेंड के मुताबिक हो, टाइम के मुताबिक हो, तो फिर वो आइडियाज हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, स्टाफ सेल्स स्टाफ भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट में लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, ठीक है। और यहाँ इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम क्या होते हैं, जिसमें कंपनी इनवाइट करती है डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स को कि वो आए और कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करें हमारे साथ जो कि पहले किसी ने ना की हो, जो कि पहले किसी ने ना बताए हो, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरल जो प्रोग्राम है वो भी मनक्के किए जाते हैं ताकि उन्हीं के जरिए न्यू आइडियाज को जनरेट किया जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर्स टू सोर्सेज आउटसाइड द कंपनी सच एज कस्टमर्स कंपटीटर्स डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर एंड आउटसाइड डिजाइन फर्म, ठीक है। अब जैसे तरीके से प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बात कर ली कि एक्सटर्नल सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि कंपनी को क्या करती है, सपोर्ट करती है, हेल्प आउट करती है। इस तरीके से कस्टमर जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो कस्टमर को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि कंपनी और कौन से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे। इस तरीके से कंपटीटर्स को देखते हुए भी कंपनी क्या करते हैं, आइडियाज जनरेट करते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हैं या नहीं सक्सेसफुल, तो उसी के मुताबिक ये लोग फिर आगे क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेलर होलसेलर्स के साथ इन क्लोज होते हैं तो उनके पास भी आइडियाज मौजूद होते हैं। इस तरीके से सप्लायर्स जो कि प्रोडक्ट पहुंचाते हैं कंपनीज को तो उनके पास भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ठीक है ना। और आउटसाइड डिजाइन डिजाइन फर्म, कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन
आइडिया जनरेशन करते हैं, लोगों के लिए आइडियाज डेवलप करते हैं, और फिर वो आइडियाज क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म को सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो दो सोर्सेज हैं हमारे पास आइडिया जनरेशन की, एक एक्सटर्नल है और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लाइड थी, अब आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आज के लेक्चर में। अच्छा, तो जब हम आइडिया को जनरेट कर लेते हैं, आइडियाज हमारे पास आ जाते हैं, तो उसके बाद हम सेकंड स्टेप को परफॉर्म करते हैं, और सेकंड स्टेप हमारे पास है वो है आइडिया स्क्रीनिंग। ठीक है, प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमारे पास सेकंड स्टेप है आइडिया स्क्रीनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस टू स्पॉट गुड आइडियाज एंड ड्रॉप पुअर वंस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारे पास आइडिया स्क्रीनिंग, हमारे पास एक प्रोसेस है, एक स्टेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड आइडियाज को सेलेक्ट करते हैं, गुड आइडियाज को स्पॉट आउट करते हैं, और ड्रॉप करते हैं उन आइडियाज के जो कि पुअर वंस होते हैं। ठीक है ना, तो कैसे हम ड्रॉप आउट करते हैं, या कैसे हम गुड आइडियाज को जो है वो स्पॉट आउट करते हैं, मीन्स सेलेक्ट करने के लिए हम उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरीकेकार है। वो तरीकेकार क्या है, जैसे जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी कंपनीज हैव सिस्टम्स फॉर रेटिंग एंड स्क्रीनिंग आइडियाज विच एस्टिमेट। ठीक है, अब मैनी कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट सिस्टम को यूज करते हैं, रेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, या स्क्रीनिंग सिस्टम को यूज करते हैं, जिनके जरिए वो आइडियाज को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना, और सबसे पहला जो एस्टिमेशन उस आइडिया जनरेशन आइडिया स्क्रीनिंग में किया जाता है, वो मार्केट साइज के बारे में देखा जाता है कि मार्केट साइज उसके लिए कितना होगा, कितना परसेंट जो है हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, हम अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है ना, तो कितने लोग उनको खरीदेंगे, कितने लोगों के पास पोटेंशियल होगा जो वो उस प्रोडक्ट को हमारे लिए खरीद सकेंगे। ठीक है ना, तो मार्केट साइज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स उसके कितने हैं। ठीक है ना, और कोई कंप्यूटिटर उसमें है या नहीं, कंप्यूटिटर उसमें कितने हैं उसके मुताबिक, क्योंकि तुम आपने जब मार्केट को देखना है, तो मार्केट में आपने ए टू जेड हर एक चीज को फोकस करना है, हर एक चीज को जहन में रखना है। ठीक है ना, जो भी मार्केट से रिलेटेड होता है, बायर सेलर सप्लायर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंप्यूटिटर्स। ठीक है ना, तो जितने भी एक्सटर्नल चीजें होती हैं वो आपने देखी होती है कि वो आपके प्रोडक्ट के फेवर में है या नहीं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वो है प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस का मतलब ये है कि जिसको कस्टमर क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, अफोर्डेबल आपके पास प्रोडक्ट प्राइस होनी चाहिए। ठीक है ना, अफोर्डेबल होगी तो तभी कस्टमर जो है उसको परचेज कर सकेंगे। ठीक है ना, मींस कि कस्टमर की रीच में वो प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स उस तक पहुंच सके, पोटेंशियल कस्टमर, या अगर और भी कस्टमर हो तो उनके पास भी ये सलाहियत हो कि वो जाके उस प्रोडक्ट को क्या कर सके, परचेज कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, जिस तरह का आप तुमको पता है कि आइडिया जनरेशन जो होती है उसमें भी हमारे पास टाइम लगता है, और जब एक प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट को हम फिनिश गुड तक लेके जा रहे होते हैं, तो उस पे बहुत सारा टाइम और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो हम इस वजह से आइडिया स्क्रीनिंग में ये भी चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है कितने टाइम में बनेगा और उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है ना, टाइम फैक्टर जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से एडवांस कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है हर एक चीज को जल्द से जल्द जो है मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई आइडिया जनरेट किया है, हमने अगर कोई आइडिया सोचा है, तो हो सकता है कंप्यूटिटर्स को भी वो आइडिया जहन में आया हो और वो उस पर काम कर रहा हो। ठीक है, तो
इस वजह से हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास टाइम भी कम लगे और उस पे कॉस्ट भी कम हो हमारे पास, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट की बात हुई, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात है कि जब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, एक प्रोडक्ट जब बनता है तो वो भी हमारे पास कम कॉस्ट में बने, इस तरह ना हो कि उस पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आए और फिर उस प्रोडक्ट को कोई खरीद भी ना सके, ठीक है। तो हमारे पास क्या फायदा होगा, ये कौन सी चीज फायदेमंद होगी जिस पे हमें कम कॉस्ट लगानी पड़ेगी, जिसको बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो, जिसको बनाने के लिए हमारे पास जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेबर अवेलेबल हो, मशीनरी अवेलेबल हो, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने प्रीवियस भी आप लोगों का जिक्र किया था कि हम ऐसे आइडिया को सेलेक्ट करें, ऐसे आइडिया को चूज करें जो कि हमें रिटर्न दे, जो कि हमें प्रॉफिट दे, जो कि हमें बेनिफिट दे, क्योंकि हर कंपनी यही चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उसको मिले, ठीक है। तो इस मुनाफे और इस प्रॉफिट के लिए ही कंपनी जो है वो अपने काम, अपने एक्टिविटीज और यही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो कर रही होती है, ठीक है। तो जब ये सब पॉइंट्स पे हमारा आइडिया पूरा उतरता है, इस सब पॉइंट्स पे हमारे आइडिया में ये सब खसूसियात, ये सब पॉइंट्स होंगे, तो तब हम क्या कहेंगे कि आइडिया इज एवेल्युएटेड अगेंस्ट सेट ऑफ जनरल कंपनी क्राइटेरिया, ठीक है। कि हम ये कहेंगे कि जो सेट किया गया क्राइटेरिया था उसी के मुताबिक आइडिया को एवेल्युएट किया गया और ये आइडिया जो है हमारे पास शॉर्ट आउट हो गया, जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ डिफरेंट आइडियाज हमारे पास जनरेट हुए और उसमें आइडिया डी और आइडिया बी जो है ये हमारे पास क्या हो गए, स्पॉट आउट हो गए और ये आइडिया जो है हमें बेनिफिट दे सकते हैं, ये आइडिया हमें फायदा पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इसी आई क्राइटेरिया के मुताबिक हमने इन आइडियाज को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, स्टेप थ्री की तरफ हम जाते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। मींस कि जो प्रोडक्ट जो आइडिया हमने बनाया है उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट स्टेज में हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो है डेवलप प्रोडक्ट आइडियाज इनटू अल्टरनेटिव प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम जो आइडिया हमारे पास होता है उसको हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ले आते हैं, एक प्रोडक्ट की शक्ल में हम उनको मीन्स के हम उनको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट जो होगा इस तरह होगा, ये काम परफॉर्म करेगा, इस तरीके से जो है बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं उनको बता देते हैं, एक प्रोडक्ट की शक्ल हम उनके अपने कॉन्सेप्ट में ले आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग टेस्ट द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद ग्रुप ऑफ टारगेट कस्टमर, ठीक है। टारगेट कस्टमर कौन होते हैं, वो कस्टमर जिनके लिए हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है ना, वो कस्टमर जो कि हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जो कि हमारे इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं टारगेट करेंगे, उनके लिए हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे कॉन्सेप्ट के मुताबिक और फिर हम उनको टेस्ट करवाएंगे कि ये प्रोडक्ट हम आपके लिए ऑफर कर रहे हैं उसमें ये खसूसियात होंगे, ये बेनिफिट होंगे, इस तरीके से शेप होगा, ठीक है ना। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो जो भी चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे टारगेट कस्टमर के साथ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद थर्ड है चूज द बेस्ट वन। फिर हम जो हमने कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की है,
टारगेट कस्टमर के साथ, तो हम उनको जब डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में बताएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरीके से होगा, ये प्रोडक्ट में ये खासियत होंगी, ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से काम करेगा, हम उनको क्या करेंगे मोबाइल में या लैपटॉप में या कहीं भी हम उसको डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, उनको बताएंगे, ठीक है ना। तो उसी बताने के साथ वो लोग क्या करेंगे, फिर उसमें से चूज करेंगे कि बेस्ट वन आइडिया कौन सा है, बेस्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास इस स्टेज में जो है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग और कॉन्सेप्ट जो है हम डेवलप कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ताकि कस्टमर्स को उनके बारे में पहले से आइडिया हो और हम पहले से ही उनसे क्या कर लें, ड्रॉबैक या जो सक्सेस है या फेलियर है, जो भी चीज़ें हैं वो हम उससे हासिल कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कमिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हम लोग चैप्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और स्टेप 3 जो है वो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अभी जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जिसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, और चूजिंग द बेस्ट वन, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, इनके ऊपर डिफाइन करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हमारे पास मौजूद है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जो कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इस स्टेप में या इस स्टेज पे हम एक कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी जो प्रोसेस है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रोडक्ट आइडिया इज एन आइडिया फॉर अ पॉसिबल प्रोडक्ट दैट द कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट आइडिया हमारे पास वो आइडिया होता है जो कि हमारे पास एक पॉसिबल प्रोडक्ट बनने की शक्ल में होता है, ठीक है ना, एक पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास होता है जो कि हम फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करता है, दैट द कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द मार्केट, और कंपनी उसको देख रहा होता है कि वो खुद से उसको मार्केट में ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि जब आप लोग कोई काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई काम आप लोगों के जहन में होता है, तो फिर आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि ये काम जब कंप्लीट होगा तो कैसा होगा, ठीक है ना, काम अगर पूरा हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रोडक्ट आइडिया भी होता है कि हम एक प्रोडक्ट को अपने जहन में उसकी एक इमेज बना रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो फ्यूचर में हम उसको मार्केट में ला रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, और सब लोग जो है उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इस स्टेज में हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज अ डिटेल वर्जन ऑफ द आइडिया, ठीक है। प्रोडक्ट वर्जन क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास एक डिटेल वर्जन ऑफ द आइडिया है दैट स्टेटेड इन अ मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म, ठीक है, जो कि हम स्टेट करते हैं एक मीनिंगफुल टर्म में, जो कि कंज्यूमर उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, कंज्यूमर उनको समझ सकते हो, ठीक है ना। जिस तरीके से जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, सॉरी प्रोडक्ट के बारे में जब आप सबसे पहले प्लान करते हैं, ठीक है,
तो आप उसको एक कॉन्सेप्ट बना देते हो, ठीक है ना। अब जिस तरीके से क्या है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई गाड़ी बनाएंगे, ठीक है ना, तो गाड़ी हमने बनानी है विद इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसका आप कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कैसे डिवेलप करेंगे कि एक गाड़ी होगी, कार होगी, ठीक है ना, उसमें इस तरीके से सीटिंग सिस्टम होगा, उसमें जो है चार्जिंग सिस्टम होगा, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी से इजीली चार्ज भी कर सकते होंगे और उसको आप आसानी से ऑटोमेटिकली चला भी सकते हैं, ठीक है ना। जब भी चार्जिंग खत्म होगी आप उसको दोबारा से चार्ज करो और वो आपके लिए इतना माइल जो है आपके लिए कवर करेगा, उसमें ये चीजें नहीं लगानी पड़ेंगी, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीएनजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर सोलर कार की बात की जाए तो सोलर चार्जिंग कार क्या होती है कि उसके ऊपर अपना ऐसा रूफ होगा कि वो कार को क्या करेगी, गाड़ी को चार्ज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चीज जो है वो डिटेल में बता देते हैं उसके वर्जन को, आइडियाज को, और कंज्यूमर उसको फिर आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट इमेज की अब बात करेंगे कि प्रोडक्ट इमेज इज द वे कंज्यूमर परसीव एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज क्या है? प्रोडक्ट इमेज वो खासियत है जो कि कंज्यूमर परसीव करता है कि वो एक्चुअल या पोटेंशियल जो कि फ्यूचर में प्रोडक्ट आएगा वो किस तरह होगा, ठीक है ना। तो एक चीज जब आप लोगों को बता दी जाती है तो आपके माइंड में उसकी, जब तक आप उसको यूज नहीं करते, लेकिन तब अगर आपके पास पावर है, पैसा है और आप इंटरेस्टेड हैं, तो जब आपको किसी भी प्रोडक्ट के वर्जन के बारे में बताया जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से क्या करते हो, उस इंफॉर्मेशन को हासिल करते हो, ठीक है ना। चाहे वो एक्चुअल प्रोडक्ट हो, चाहे वो पोटेंशियल प्रोडक्ट हो। एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब क्या है, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है ना, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई हो, उसमें कोई चेंजेस आए हो। या पोटेंशियल प्रोडक्ट वो होता है जो कि फ्यूचर में हम आप लोगों के पास आने वाला हो। तो जब फ्यूचर में आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट आने वाला होता है तो उसको हम पोटेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। और आप कैसे उसके बारे में सोचते हो, कैसे उसके बारे में समझते हो, तो इसको प्रोडक्ट इमेज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की तरफ। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या है? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग रेफर्स टू द टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग आपके पास एक टेस्टिंग है जिसमें आप क्या करते हो, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हो विद टारगेट कस्टमर, वो कस्टमर जिनको आपने टारगेट करना है, वो कस्टमर जिनके लिए आपने प्रोडक्ट अवेलेबल करना है, वो कस्टमर जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है ना। तो आप उनके पास इस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं और उनको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया जो है डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और फिर वो आपको उसी के मुताबिक राय देते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें अगर कोई नेगेटिव पॉइंट हो या पॉजिटिव पॉइंट हो तो वो भी आप लोगों के साथ क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट आइडिया क्या होता है? वो पॉसिबल प्रोडक्ट जो कि कंपनी मार्केट में क्या करेगी, ऑफर करेगी, और उसके बाद जो है हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी फीचर्स होंगे, वो हम कम्युनिकेट करेंगे मीनिंगफुल फॉर्म में विद द कस्टमर, और फिर हम उससे एक प्रोडक्ट का इमेज डेवलप करेंगे और उस इमेज के मुताबिक कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परसीव करेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा, ठीक है। और फिर फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, फाइनल स्टेप में फाइनल पॉइंट्स क्या है कि उसमें हम कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है, ठीक है ना, कि जो टारगेट कस्टमर है उन तक हमारा प्रोडक्ट अगर पहुंचेगा तो वो किस तरीके से फिर उसको यूज करेंगे, किस तरीके से उसके मुताबिक जो है हमें इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। तो हम ये टारगेट कस्टमर के पास लेके जाएंगे, हम देखेंगे कि वो सही तरीके से उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना, सही तरीके से उस प्रोडक्ट को समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अच्छा, तो फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप जो कि है मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट क्या होती है कि इसमें आप लोग जितने भी इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में, जो कि प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में हेल्प आउट करती है, वो स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं। ठीक है ना, जब आप कोई चीज इनिशियली मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके लिए हम कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप रेफर्स डेवलपमेंट रेफर्स टू द इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट। ठीक है ना, अब इस स्ट्रेटजीज में क्या इंक्लूड है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टेटमेंट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टारगेट मार्केट, मीन्स सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है अपने टारगेट मार्केट की कि कौन से मार्केट को आप लोगों ने टारगेट करना है, कौन से मार्केट को आपने अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट का जो है वो टारगेट मार्केट की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट मार्केट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में आप लोगों ने जो है इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है, फिर दूसरे मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो आपने बनानी है वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ लिया था। ठीक है ना, वैल्यू प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन होती है जो कि आप लोग अपने कस्टमर को प्रॉमिस करते हो। ठीक है ना, मीन्स कि आप लोगों ने कस्टमर को जब बता दिया कि ये गाड़ी जो इलेक्ट्रिक से चार्ज होगी ये आपको इतनी माइलेज विदाउट एनी हेजिटेशन विदाउट एनी इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, आपको जो है पहुंचाएगी ये बेनिफिट्स, तो फिर हम जो है इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन या प्रॉमिस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, तो टारगेट मार्केट हो गया, फिर उसके बाद हमने वैल्यू जो कि हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं वो हमने बता दी कि ये इतनी परफॉर्मेंस आपको शो करेगा, इतना हेल्पफुल है ये आपके लिए प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बता देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास सेल्स एंड प्रॉफिट गोल्स। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में फिर हम क्या करते हैं, अपने सेल्स एंड प्रॉफिट गोल्स को भी बता देते हैं कि हमने कितनी सेलिंग करनी है और इससे हमने कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना है, कितना प्रॉफिट जो है वो हमने इससे हासिल करना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट 5 बिजनेस एनालिसिस एंड पॉइंट 6 या स्टेप 6 जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे हम सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस के बाद बात करेंगे और फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमेशा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो दारोमदार होता है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो हम कह सकते हैं कि एनएसआर जो होता है वो बिजनेस एनालिसिस पे होता है। तो क्या है इसमें कि द बिजनेस एनालिसिस इन्वॉल्व अ रिव्यू ऑफ द सेल्स, मतलब सबसे पहले हमें सेल्स को रिव्यू करना है, कॉस्ट को रिव्यू करना है एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस टू फाइंड आउट वेदर दे सेटिस्फाइड द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। ठीक है ना, तो बिजनेस एनालिसिस हमारे पास एक रिव्यू है, एक एनालिसिस है जिसमें हम सेल्स को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी प्रॉफिट हमारे पास आएगी उसकी हम प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है ना, और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उससे हमारे कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, कंपनी ऑब्जेक्टिव मीन्स हमारा जो मिशन विजन है वो हमारा कंप्लीट होगा या नहीं। ठीक है ना, तो बिजनेस एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ रिव्यू जिसमें हम प्रोजेक्शन करते हैं, जिसमें हम फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है ना, सेल कॉस्ट प्रॉफिट एंड टू फाइंड आउट वेदर वे आर आवर आइडियाज आर सेटिस्फाइंग आवर कंपनीज ऑब्जेक्टिव और नॉट। इफ नॉट
देन यू नीड टू एलिमिनेट द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करना होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा, ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस करने होंगे जो कि आपको प्रॉफिट दे सके, आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सके और आपकी कॉस्ट जो है वो लिमिट में रहे, ठीक है। और अगर सेल्स इंक्रीज होगी, कॉस्ट प्रॉफिट सब कुछ प्रोडक्शन आपकी पॉजिटिव जा रही है, तो फिर इफ यस मूव टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आपके तरफ यस का पॉइंट आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना है, प्रोडक्ट को डेवलप करना है और उसमें जो भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो आपने फिर आगे जाके परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिसिस में हम रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद रिव्यूइंग के बाद हम अगर पॉजिटिव हैं तो फिर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अगर हम नेगेटिव हैं तो हम फिर एलिमिनेट कर देते हैं उस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, उस प्रोडक्ट जो आइडिया होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, स्टेप 7 है हमारे पास टेस्ट मार्केटिंग। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास स्टेप 7 है टेस्ट मार्केटिंग। और इसमें हम क्या करते हैं इस स्टेज पे कि हम एक और ज़्यादा रियलिस्टिक इन्वायरमेंट या रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग्स जो है वो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले, मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले हम उसकी जो है वर्थ जान सके, हम उसकी जो है इम्पोर्टेंस जान सके, ठीक है ना। तो टेस्ट मार्केटिंग क्या है? टेस्ट मार्केटिंग इज द स्टेज एट विच द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम आर इंट्रोड्यूस इनटू द मोर रियलिस्टिक मार्केटिंग सेटिंग्स, ठीक है ना। हम प्रोडक्ट को या मार्केटिंग प्रोग्राम को, 4 P को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इनिशियली, हम क्या करते हैं उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं मार्केट में ताकि हम उसके बारे में जान सकें, ठीक है ना। रियलिस्टिक मार्केटिंग मीन्स कि आप उस सैंपल को मार्केट में ले आते ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके, ठीक है ना, कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है या नहीं चल सकता, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग प्रोवाइड्स द मार्केटियर विद एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड इंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर फुल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केटियर्स प्रोवाइड्स द मार्केटियर विद एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग, ठीक है ना, कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर ले, टेस्ट कर ले पूरे मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ, ठीक है ना। टेस्टिंग मींस कि हम चेक कर सकें कि वो प्रोडक्ट जो कि हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं विद दीज मार्केटिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। बिफोर इंट्रोडक्शन, बिफोर फुल इंट्रोडक्शन मीन्स कि आप उसको पूरा का पूरा मार्केट में लॉन्च कर दें और उसकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कर लें, ठीक है ना। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पहले आप उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उसकी जो है टेस्टिंग करते हैं कि जो आप रियल मार्केट में ऑफर करने जा रहे हो वो उस मार्केट के मुताबिक है या नहीं, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास 3 टाइप्स की टेस्ट है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, दूसरा कंट्रोल टेस्ट मार्केट है और थर्ड वन जो है स्टिमुलेटेड टेस्ट मार्केट है। अब इन 3 पॉइंट्स को हम वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम टेस्ट पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट क्या कहता है? फुल मार्केटिंग कैंपेन इन अ स्मॉल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिटीज। स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केटिंग वो मार्केटिंग टेस्ट टाइप है जिसमें हम पूरी मार्केटिंग कैंपेन को, पूरी मार्केटिंग को जो हमारे पास प्रोग्राम है मार्केटिंग का,
उसको हम जो है स्मॉल नंबर पे रिप्रेजेंटेटिव सिटीज, मतलब वो सिटीज जो कि पूरे एरिया को रिप्रेजेंट, पूरी कंट्री को, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता हो। जिस तरीके से हमारे जो अगर देखे जाए तो कैपिटल्स हैं प्रोविंस के, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इस तरीके से पेशावर हो गया, क्वेटा हो गया, कराची हो गया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव सिटीज हैं पूरे पाकिस्तान की, ठीक है ना। तो इनमें हम क्या करते हैं, फुल मार्केटिंग कैंपेन को रन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है लॉन्च कर देते हैं, सॉरी लॉन्च नहीं करते बल्कि टेस्टिंग के लिए अवेलेबल कर देते हैं, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को देख सकें, उसकी सैंपल को टेस्ट कर सकें कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है ना। तो इसमें स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सिटीज में आप फुल प्रोग्राम जो कैंपेन है उसको आप लोग क्या करते हो, लॉन्च करते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कंट्रोल टेस्ट मार्केट। अ फ्यू स्टोर्स दैट हैव एग्रीड टू कैरी अ न्यू प्रोडक्ट फॉर अ फी, ठीक है ना। कंट्रोल टेस्ट मार्केट वो मार्केट है जिसमें आपके पास कुछ स्टोर्स जो मॉल होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगह होते हैं जहाँ पे कस्टमर आते जाते हैं, वो एग्री करें कि हाँ हम आपका न्यू प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करेंगे या आपके न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, लेकिन हमें उसके मुकाबले में कुछ फी चाहिए, हमें उसके मुकाबले में कुछ अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। स्टोर्स उनके न्यू प्रोडक्ट को अवेलेबल कर देते हैं, जैसे ही कस्टमर आते हैं तो उनको वो प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आने वाला है, ये उसका सैंपल है, आपको ये कैसा लग रहा है, आपको इसमें क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें बुरी लग रही हैं, ठीक है ना। तो वो ये कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग है कि आप किसी स्टोर को फी दे देते हो, वहाँ पे कस्टमर आते हैं और उन प्रोडक्ट को चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड है स्टिमुलेटेड टेस्ट मार्केट। टेस्ट इन अ सिमुलेटेड शॉपिंग एनवायरनमेंट टू अ सैंपल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है ना। आप एक ऐसा मार्केट या शॉपिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, आप एक जो है स्टोर सा क्रिएट कर लेते हैं कि जहाँ पे कस्टमर आते हैं और वो आपके प्रोडक्ट को देखते हैं और उसको जो है यूज़ करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके। जिस तरीके से टेस्ट ड्राइव होता है या टेस्ट ट्यूब्स होता है, तो ये सिमुलेटेड मार्केटिंग में होता है कि आप एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ पे आप कस्टमर्स को बुलाते हैं और एक शॉपिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक जो है इफेक्टिव टेस्ट मार्केट स्ट्रेटजी है, टाइप है कि जिसमें आप एक शॉप खुद से कोई शॉपिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके लोगों को वो सैंपल दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टेप नंबर 8 है हमारे पास कमर्शलाइजेशन। ये हमारे पास फाइनल स्टेप है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का, जिसमें हम क्या करते हैं, कमर्शलाइजेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट प्लेस। जब हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में कामयाब हो जाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो कमर्शलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन अ मार्केट प्लेस, ठीक है ना। और इसमें हम कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ डिसीजन हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या डिसीजन है कि कमर्शलाइज व्हेन टू कमर्शलाइज, कब हमने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, वेयर किन किन जगहों पे हमने उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, टू होम किन किन लोगों को, किन किन टारगेट मार्केट कस्टमर को हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, एंड हाउ, कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो हमने अपनानी होगी, इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है ना। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, सेगमेंटेशन, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो हमने क्या करनी है, पहले से डिसाइड करनी होगी का इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट से पहले, ठीक है ना। तो कमर्शलाइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट को
न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द मार्केट प्लेस, और इसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कब हमने ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है, कहाँ पे लॉन्च करना है, किस किस जगह पे लॉन्च करना है, किन को लॉन्च करना है, और क्या क्या तरीके का स्ट्रेटजीज हमने अपनानी होंगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की 8 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।